तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना, इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ इसमें ये बात कि इन सब में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हजारों पेजों की इंफॉर्मेशन है। 3 दिन पहले मैंने लेट्स क्लीन अप अभियान शुरू किया था, उसके बाद जानकारियां आनी शुरू हुई। कई लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, सब इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग घोटालों की जानकारी दी। तो कपिल का केजरीवाल पर आरोप, कपिल मिश्रा ने तमाम आरोप लगाए और यहां 2 करोड़ का भी आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ की रिश्वत अरविंद केजरीवाल ने ली, जिसके बाद एक के बाद एक नए आरोप और एक के बाद एक नए खुलासे वो करते रहे। तमाम खुलासे करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त बीच में ही उन्हें चक्कर आ गया, बेहोश हो गए कपिल मिश्रा। उनकी पत्नी का बयान सामने आया है, उनकी पत्नी ने कहा कि अगर ठीक नहीं होते हैं कपिल मिश्रा तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। कपिल मिश्रा ने राजनाथ सिंह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी अपील की है कि इस पूरे मामले पर वो हस्तक्षेप करें और साथ ही साथ उन्होंने यहां धमकी भरे लहजे से कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो मैं बकायदा उनका कॉलर पकड़ के उन्हें उनकी सीट से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। धमकी भरे लहजे में कपिल मिश्रा ने यहां अपनी बात रखी। केजरीवाल के विधायक की फर्जी कंपनी थी, ये तक आरोप लगाया और साथ ही साथ विदेश यात्राओं को लेकर भी कपिल मिश्रा ने यहां तमाम तरीके के सवाल उठाए। आखिरकार यहां सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अब आम आदमी पार्टी में विपक्ष से लड़ने के लिए या विपक्ष के साथ आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उनके पार्टी के नेता ही खड़े हो चुके हैं उनके खिलाफ अब सबूत लेकर। कपिल मिश्रा जल संसाधन मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, पद से हटाया गया जिसके बाद कई लोगों को कहा गया, यानी विपक्ष का ये निशाना भी था, खुद आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि बौखलाहट है क्योंकि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। संजय सिंह सामने आए आम आदमी पार्टी से, उन्होंने अपनी बात रखी, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को उनका तक सहारा मिला जिनसे उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कुमार विश्वास का सपोर्ट। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद कुछ भी कर सकते हैं लेकिन रिश्वत नहीं ले सकते हैं, तो पूरी फौज उतर आई थी उनको बचाने के लिए, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहां कपिल मिश्रा ने कई बड़े खुलासे करते हुए कुछ चेक वो दिखा रहे थे और दिखाते वक्त अचानक से बेहोश हो गए। फिलहाल उन्हें पासी के अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी का यहां बयान आया है कि अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की जाएगी। तो केजरीवाल के विधायकों पर भी आरोप लगाए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हुए हैं कपिल मिश्रा। यहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने अपील की है, राजनाथ सिंह से अपील करते हुए कहा कि वो इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें। कपिल और केजरीवाल दोनों के बीच में एक वार शुरू हो चुकी है। कपिल का कहना है कि अपने पद से इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे क्योंकि उस पर बैठने लायक नहीं है अरविंद केजरीवाल। और वाकई जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन सबूतों को लेकर कपिल मिश्रा बात कर रहे हैं, उससे यहां ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा नजर आता है कि मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। तमाम आरोप लगने के बाद जहां अरविंद केजरीवाल हर एक मुद्दे पर मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रखा करते थे, फिर चाहे वो विपक्ष पर कोई आरोप क्यों ना हो, अगर विपक्ष पर किसी तरीके का कोई आरोप लगता था, जबकि वहां अरविंद केजरीवाल का अगर कोई लेना देना ना भी हो, तब भी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अपनी बातें रखते थे। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, कपिल मिश्रा का आरोपों का जवाब देगी आप इस वक्त की बड़ी खबर, कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देगी आम आदमी पार्टी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी आम आदमी पार्टी और कपिल मिश्रा के तमाम आरोपों का जवाब दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देगी आप। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ अशोक गोयल जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अशोक गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन पर। धन्यवाद।
नमस्कार जी अशोक गोयल जी, सबसे पहला सवाल, पूरा मामला आपके संज्ञान में है, आप देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में किस तरीके से घमासान चल रहा है। कपिल मिश्रा ने तमाम आरोप लगाए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त वो बेहोश हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला है और जितनी बातें और साक्ष्य कपिल मिश्रा जी ने रखे हैं वो जो डीमोनेटाइजेशन के वक्त अरविंद केजरीवाल जी को हमने देखा, जिस तरह से वो बौखलाए गए थे, जिस तरह से उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, तो वही काले धन की बात को लेकर मुझे लगता है कि जो कपिल मिश्रा जी ने दिए हैं कि फर्जी कंपनी, फर्जी लोग, फर्जी ठेके, ये एक किस्म से जो इनकी जो कलई है वो खुलती जा रही है। एक के बाद एक खुलासों से ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जितने विधायक हैं ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसमें अब मुझे लगता है कोई संदेह की गुंजाइश बची नहीं है। जांच एजेंसियों को जितने भी ये साक्ष्य कपिल मिश्रा जी ने दिए हैं उनके ऊपर जांच करनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। अशोक गोयल, आप यहाँ इस बात को नहीं मानेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगे हैं, 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, लेकिन उसके बावजूद इस पर जवाब ना देने के बजाय उन्होंने ईवीएम का मुद्दा नया खड़ा कर दिया? नहीं, ये देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों की एक स्टाइल का हिस्सा है कि जब भी इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो ये कोई नया विवाद खड़ा करते हैं, चाहे वो ईवीएम का विवाद हो या कोई जान पे खतरे का विवाद हो या संजीव झा का रिएक्शन में उसको यूज करना हो कि आप भी अनशन पे बैठ जाइए। जो कपिल मिश्रा ने मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब ना देकर, उनके ऊपर चुप्पी साध कर, जो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हर छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देते थे, आज बिल्कुल मौन है, भ्रष्टाचार मौन है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गंभीर मामला है, उसका जवाब देना चाहिए दिल्ली की जनता को। बिल्कुल बिल्कुल अशोक गोयल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसे हर मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बोलते थे, आज अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोपों पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने भी मुझे लगता है कि कोई कपिल मिश्रा से प्रेरणा लेकर अपने घर के किसी कोने में धारण कर लिया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के उनके मामले खुलते जा रहे हैं, अब मुझे लगता नहीं उनके पास कुछ कहने को कुछ बचा है, इसलिए वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। अदरवाइज उनको दिल्ली की जनता ने, जिन्होंने इतना भरोसा जताया था उनके ऊपर, उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसकी इनकम 5,05,000 रुपए है, वो 1-1 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है, रात को 12-12 बजे चंदा दे रहा है, कभी 4 लाख, कभी 8 लाख, कभी 12 लाख, एक ही व्यक्ति देता जा रहा है, एक ही जगह पर 187 कंपनी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि आप चुप्पी तोड़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के सामने आना चाहिए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सब बड़े गंभीर मसले हैं। बिल्कुल अशोक गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे, अशोक गोयल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई अब जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े और जनता के सामने हर एक आरोप का